Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today we are going to start our next chapter, that is Kingdom Fungi. आज हम Kingdom Fungi को पढ़ने जा रहे हैं. हमने देखना है कि Kingdom Fungi के अंदर कौन कौन से characters मौजूद हैं, Kingdom Fungi क्या होती है और इसके nutrition, इसके reproduction, everything about the fungi. तो इसकी definition से start करते हैं, इसके intro से start करते हैं, that what is Kingdom Fungi. Kingdom Fungi includes मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं? दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. अब जो इतने प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स तो सारे के सारे ही यूनिसेलुलर होते हैं. प्रोकैरियोट्स मींस दे आर यूनिसेलुलर, बट जो यूकैरियोट्स है वो यूनिसेलुलर होते हैं एज वेल एज दे आर मल्टी सेलुलर. तो किंगडम फंजाई के अंदर जो है कौन से यूकैरियोट्स इंक्लूड हैं? देर आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. इसके अलावा दे आर नॉन क्लोरोफिलियस. क्लोरोफिलियस मींस दे हैव ग्रीन कलर, एंड नन लग गया साथ में नॉन क्लोरोफिलियस मींस दे डू नॉट हैव ग्रीन कलर. तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ग्रीन कलर नहीं मौजूद होता, और इसके साथ साथ इनका हैविंग काइटिनियस सेल वॉल. इनके अंदर क्लोरोफिल तो मौजूद नहीं होता, बट दे हैव सेल वॉल. सेल वॉल भी काइटिनियस सेल वॉल. काइटिनियस सेल वॉल कौन से होते हैं? जिसके सराउंडिंग में काइटिन की लेयर मौजूद होती है, उस सेल वॉल को हम कहते हैं दे आर काइटिनियस सेल वॉल. तो ये था किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई क्या होती है? दे आर इंक्लूड्स मल्टी सेलर यूकैरियोट्स, नॉन क्लोरोफिलियस एंड हैविंग काइटिनियस सेल वॉल. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स. अब हम किंगडम फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले इसका कैरेक्टर है दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स इट मींस दे हैव द टू न्यूक्लियस. तो ये क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है. इसके साथ साथ दे आर नॉन क्लोरोफिलियस, इट मींस दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर इनके अंदर मौजूद नहीं होता. अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स है इसका मतलब ये अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि ये अपनी न्यूट्रिशन को, अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं. सो इसलिए इसे एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है. इसके अलावा दे हैव काइटिनियस सेल वॉल. अभी हमने जाना काइटिनियस सेल वॉल से क्या मुराद है, कि जिस सेल वॉल के साइडिंग अराउंड में लेयर मौजूद हो काइटिन की, उसे हम कहते हैं काइटिनियस सेल वॉल. इसकी जो बॉडी होती है दैट इज़ फिलामेंटियस बॉडी. तो फिलामेंटियस जो बॉडी है उसे हम कहते हैं, फिलामेंटियस बॉडी इज़ कॉल्ड माइसीलियम. फिलामेंटियस बॉडी को हम कहते हैं दैट इज़ माइसीलियम. इसके अलावा वो किससे कंपोज्ड होती है? कंपोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक सेल ये थ्रेड लाइक सेल से कंपोज होती है. उस थ्रेड लाइक सेल को क्या कहा जाता है? डेट इज नोन एज हाइफी. तो ये हमने जाना अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम फंजाई, जिसके अंदर हमने जाना कि ये क्या है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स से, नॉन क्लोरोफिलियस से, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स से, दे हैव काइटिनियस सेल वॉल. इनकी बॉडी जो फिलामेंटियस बॉडी से माइसीलियम कहते हैं, जो कंपोज्ड होती है थ्रेड लाइक सेल से. थ्रेड लाइक सेल को कहा जाता है हाइफी. तो अब हमने हाइफी को थोड़ा डिटेल से पढ़ना है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है और किस टाइप का ये होता है. जैसा कि हमने जाना दैट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. अब हाइफे के जो है आगे टाइप्स हैं. सो विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ हाइफे. हाइफे की जो नंबर वन टाइप है डैट इज सेप्टेट हाइफे. इस नंबर वन टाइप इज सेप्टेट हाइफे. सो लेट्स सी डैट ये कौन से हाइफे है. ये जो है यूनिसेलुलर सेल से मिलकर बनती है. इट इज़ यूनिसेलुलर और डाइन्यूक्लिएटेड. या तो ये क्या है, यूनिसेलुलर है, इसी के साथ साथ ये डाइन्यूक्लिएटेड है. इसके अलावा ये हाइफे को हम ये कहेंगे इट इज़ द हाइफे
हैविंग सेल वॉल, तो हमने जाना कि जो यूरेथ्रा किंगडम फंजाई के मेंबर्स हैं उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जो हाइफी है इसके अंदर क्रॉस वॉल्स पाई जाती है, उन क्रॉस वॉल्स को कहते हैं दैट इज कॉल्ड सेप्टा। तो ये थी हाइफी की एक टाइप सेप्टेट हाइफी, जिसके अंदर हमने जाना कि उनके अंदर क्रॉस वॉल होती है, यूनिसेलर होती है, एंड दैट इज डाइन्यूक्लियोटिड। अब क्या है इसका स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाइफी, ये हमारे पास एक हाइफी है। अब इस हाइफी के अंदर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर मौजूद होगा, इस टाइप की वॉल्स मौजूद होंगी, इन वॉल्स को हम कहेंगे डैट इट इज़ क्रॉस वॉल। ये वॉल्स क्या कहलाएंगी, ये वॉल्स क्रॉस वॉल्स कहलाएंगी। और इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होगा, इसलिए इसे न्यूक्लिएटेड कहा जाता है। तो ये हमने जाना अबाउट द सेप्टेट हाइफी। अब नंबर टू टाइप के बारे में हम पढ़ते हैं, नंबर टू टाइप कौन सी है, डैट इज असेप्टेट हाइफी। सेप्टेट मीन डेट हैव सेप्टा, और असेप्टेट की मीन्स क्या होगी, इट मीन्स दे डू नॉट हैव सेप्टा। सेप्टा क्या है, डेट इज क्रॉस वॉल्स जो कि हाइफी के अंदर मौजूद होती है। तो हम इसे यूँ कह सकते हैं हाइफी डेट लेक क्रॉस वॉल्स, वो हाइफी जिसके अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती, क्रॉस वॉल्स यानी सेप्टा मौजूद नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं डैट इज असेप्टेड हाइफी। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, एज वेल एज होगा, लेकिन क्या है कि इसके अंदर ये जो क्रॉस वॉल्स है ये मौजूद नहीं होंगी, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस मौजूद होगा, इट इज़ नॉट डाई न्यूक्लिएटेड बट इट इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अब ये जो असेप्टेड हाइफी है इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोएनोसाइटिक। व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोएनोसाइटिक हाइफी, बिकॉज दे लैक क्रॉस वॉल्स। पहली बात तो इसलिए कि ये इनके अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद नहीं होती, इसलिए इसे असेप्टेड हाइफी कहा जाता है। एंड इट इज़ लुक लाइक अ लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, और ये जो है एक बड़े मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल की तरह नज़र आती है, इसीलिए जो है इसे कोएनोसाइटिक हाइफी कहा जाता है। अब इसके बाद जो है जितने भी फंगल न्यूक्लियाई होते हैं ना, आल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लोइड, जितने भी फंगल न्यूक्लियाई हैं वो हैप्लोइड होते हैं। हैप्लोइड मीन्स दे हैज अ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन इसके अंदर जो जाइगोट होता है वो हैप्लोइड नहीं होता। सो वी कैन से डेट एक्सेप्ट जाइगोट आर फंगल सेल आर हैप्लोइड। जाइगोट इसका हमेशा जो है वो डिप्लॉइड होगा, हैप्लोइड नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जितने भी फंगल न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे हैप्लोइड होंगे। अब इसके बाद इसकी जो एक चीज़ है डेट इज़ यीस्ट। अब यीस्ट क्या है, यीस्ट आर यूनिसेलुलर, यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है एंड नॉन हाइफल फंजाई। हाइफल अभी हमने पढ़ा जो क्रॉस वॉल्स के अंदर पाए जाते हैं उसे कहते हैं नॉन हाइफल फंजाई। हाइफल इसके अंदर मौजूद नहीं होता। हाइफल हमने जाना था कि ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यीस्ट के अंदर मौजूद नहीं होता है। अब ये जो है ये कहीं पर भी मौजूद हो सकता है, इट इज़ फाउंड एनीवेयर, मतलब प्लांट्स होते हैं जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक स्पेशल जगह होती है कि ये यहीं पर पाए जाएंगे, लेकिन ये जो है ये कहीं पर भी मौजूद हो सकते हैं। इट इज़ फाउंड एनीवेयर, जहाँ पर भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहाँ पर ये मौजूद होंगे। अब ये जो है इट कैन टॉलरेट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, अब इसकी जो है हर जगह मौजूद होने की रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो है हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर
बर्दाश्त कर सकते हैं, ये किसी भी रेंज के टेम्परेचर के अंदर रह सकते हैं, लेकिन रेंज ज़्यादा रेंज के अंदर रह सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कि इतने हाई अगर रेंज हो जाए तो वहाँ पर ये सर्वाइव कर लेंगे। इनके एक पर्टिकुलर रेंज है, वो पर्टिकुलर रेंज क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के अंदर ये रह सकते हैं। एंड आमतौर पर जितने भी इलाके होते हैं वो इसी रेंज के अंदर आते हैं ज़्यादातर इलाके, तो इसीलिए जो है ये कहीं पर भी मौजूद होते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। एंड इसी के साथ साथ ये हाई पीएच भी टॉलरेट कर सकते हैं। अब पीएच की रेंज क्या है, 2 to 9, तो ये जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ साथ जो हाई जो पीएच है उसे भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है दे स्टोर फूड, ये जो है अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं, दे स्टोर फूड, लेकिन किसके तौर पर, एज लिपिड्स, या तो ये लिपिड्स के तौर पे, लिपिड्स ड्रॉपलेट्स के तौर पर जो है फूड को स्टोर करेंगे, या तो फिर ये फूड करेंगे को स्टोर करेंगे एज अ ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स, या तो ये फूड को स्टोर करेंगे एज अ लिपिड ड्रॉपलेट्स, या ये ग्लाइकोजिन पार्टिकल्स के तौर पर फूड को स्टोर करेंगे। तो ये हमने जाना अबाउट द सिंपल टॉपिक ऑफ किंगडम फंजाई, जिसके अंदर हमने इसके जनरल करैक्टर्स के बारे में जाना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि इसकी बॉडी जो है माइसीलियम और हाइफे से मिलकर बनती है। माइसीलियम हमने जाना फिलामेंटियस बॉडी को कहते हैं, और जो थ्रेड लाइक सेल है उसका वो कहलाता है हाइफी। फिर हमने हाइफे की टाइप पढ़ी, आगे सेप्टेट हाइफी एंड असेप्टेट हाइफी, द बॉडी डेट हैव सेप्टा डेट इज सेप्टेट हाइफी, एंड द हाइफी डेट डू नॉट हैव सेप्टा दे आर असेप्टेट हाइफी। सेप्टेट क्या था, क्रॉस वॉश उसके अंदर मौजूद होती है, वो हमने कहा कि वो सेप्टेट है। इसके अलावा हमने यीस्ट के बारे में पढ़ा कि यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर नॉन हाइफल फंजाई है, जो कहीं भी पाई जाती है, जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा वहाँ पर ये मौजूद होगी। ये जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, और पीएच जो है 2 to 9 बर्दाश्त कर सकती है। इसके अलावा ये जो फूड को स्टोर करती है, वह लिपिड के तौर पर ड्रॉपलेट्स की सूरत में या ग्लाइकोजन पार्टिकल्स की सूरत में ये फूड को स्टोर करती है। सो दिस वाज द वेरी सिंपल टॉपिक अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड जनरल करैक्टर्स ऑफ किंगडम फंजाई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।